उसका जिक्र करने, उसके हबीब का जिक्र करने बैठे हैं, तो अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को लगाए और इंशाल्लाह खैर के बोलों को मतवज्जे फरमाए। हम ओद के मैदान में घूमे, वहां पे हम जख्म जख्म हुए, हमारे आंसू भी निकले और हमारा दिल भी डरा और अपने नबी से और इश्क बढ़ा कि उन्होंने और उनके सहाब ने जो कुर्बानियां दी और जिस सब्र और हौसले का इजहार किया और उस हालत में भी अपनी नमाजों को नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीजें हमारे सीखने के लिए थी। फिर हमने ये भी देखा कल कि ओहद के बाद आसपास के जो दुश्मन थे वो शेर हो गए थे, और उसमें दो वाकयात ऐसे हैं जिसको अगर हम स्किप करके गुजर जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंसाफ होगा उन शहदा के साथ कि जिन्होंने फौरन ओहद के बाद ये दो मार के और जिसमें उनको लाइल्मी में नुकसान पहुंचाया गया। एक तो कल मैंने रजी के हादसे का मुख्तसरन जिक्र किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ज्यादती है कि अगर उसकी थोड़ी डिटेल ना बताई जाए। एक रजी का सानिया और दूसरा बेरमोना का अलमिया, ये दो अलमिये इतने बड़े हैं जो ओहद के फौरन बाद हुए हैं और इन्होंने मुसलमानों की साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रजी का जो हादसा है ना वो 4 हिजरी में यानी सफर में फौरन ओहद के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अजल और कारा एक इलाका है, वहां के कुछ लोग आए और जिक्र किया कि इनके अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है यानी बातें उन्होंने सुनी है, तो हमारे पास कुछ दीन सिखाने के लिए कुरान पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ अफराद हमारे साथ भेजे। इब्ने इसहाक ने तो लिखा है कि 6 अफराद भेजे, सही बुखारी में है कि 10 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाए। और इनके जो लीडर थे ना वो हजरत उमर बिन खताब के नाना थे, हजरत आसिम बिन उमर बिन खताब, ठीक है। हजरत आसम बिन साबित को इनका अमीर बनाया गया। जब ये लोग राबगा और जद्दा के दरमियान एक कबीला और जील है, वह रजी नामी एक चश्मा है इसलिए इसको सानिया रजी कहते हैं, रजी नामी एक चश्मे पर पहुंचे तो इन पर कबीला जील के कुछ लोगों ने चढ़ाई कर दी और इतने तीरंदाज इनके पीछे लगे कि इनके कदमों के निशान देख देख के ना इनको पीछे से जा लिया। सहाबा इकराम एक टीले पे पनाह गजीर हुए, उन्होंने घेर लिया और कहा कि तुम्हारे लिए हमारा ऐदो पैमान है, अगर तुम हमारे पास नीचे आ जाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और कत्ल नहीं करेंगे। हजरत आसम ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं उतर रहे और इनके साथ जंग शुरू कर दी। तीरों की पुछाड़ से 7 अफराद शहीद हुए, 3 आदमी बचे, एक हजरत खुबैब थे, एक हजरत जैद बिन दशना और एक और सहाबी जिनका नाम तारीख में नहीं है। अब ये लोग उनके पास आए उस कबीले के पास बनू लिहान के पास और कहा कि आपने हमसे वादा किया कि अगर टीले से नीचे उतर आओगे तो हम तुम्हारे साथ रियायत करेंगे, लेकिन उन्होंने तो बदअहदी की और अपनी कमाने उन पे तान ली। और तीसरे जो सहाबी थे जिनका नाम नहीं पता, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उनको घसीट के ले जाने की कोशिश की, जब नहीं हो सका तो उन्होंने उन्हें शहीद कर दिया। हजरत खुबैब को और हजरत जैद को, दोनों को मक्का लाए, बेच दिया। और इन दोनों सहाबा ने बदर के मैदान में 2 हिजरी में ना मक्का के सरदारों को कत्ल किया था और हर एक को इन पे गुस्सा था। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ अरसा अहले मक्का की कैद में रहे, फिर मक्के वालों ने उन्हें कत्ल का इरादा किया, उन्हें हरम से बाहर ले गए, जब सूली पर चढ़ाना चाहा तो उन्होंने फरमाया मुझे छोड़ दो, जरा 2 रकत नमाज तो अपने रब की पढ़ लूं। मुशरकीन ने कहा ठीक है। आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, जब सलाम फेर चुके तो फरमाया बा खुदा अगर तुम लोग ये ना कहते कि जो कुछ कर रहा हूं घबराहट की वजह से कर रहा हूं तो मैं अपनी नमाज को कुछ और तूल देता। इसके बाद फरमाया ए अल्लाह इन्हें एक एक कर करके गिन ले, फिर इन्हें बखेर के मारना और इनमें से किसी को बाकी ना छोड़ना, यानी बद्दुआ की उनके हाथ में। और सारा मक्का जमा था, बच्चे बूढ़े जवान तालियां सीटियां बजा रहे थे और इनको मक्का के बाहर सूली चढ़ाया जाना था। तो इन्होंने कहा कि मैं लंबी नमाज तो इस वक्त मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं पढ़ूं, लेकिन तुम लोग को ये मौत से डर गया है, मौत से बचने के लिए लंबी नमाज पढ़ रहा है, मैं इसलिए मैंने अपनी नमाज छोटी कर दी। ये मैं हजरत खुबैब का आपको बता रही हूँ, ये दो हैं, फिर हजरत हारिस जैद का भी बताती हूँ। लोग मेरे, उन्होंने फिर ये शेर भी कहे, लोग मेरे गिर्द ग्रोह दर ग्रोह जमा हो गए, अपने कबाइल को चढ़ा लाए, सारे का सारा मजमा जमा कर लिया, अपने बेटों औरतों को भी करीब ले आए और मुझे एक लंबे मजबूत तने के करीब कर दिया। मैंने अपनी बेवतनी बेकसी का शिकवा
अपनी कतलगाह के गिर्दो पेश ग्रहों की जमा करदा फात की फरियाद अल्लाह से कर रहा हूँ। ऐ अरश वाले, मेरे दुश्मनों के जो इरादे हैं इस पर मुझे सबर दे। उन्होंने मुझे बोटी बोटी कर दिया, मेरी खुराक बुरी हो गई, उन्होंने मुझे कुफर का इख्तियार दिया, हालांकि मौत इससे कमतर और आसान है। मेरी आंखें आंसू के बगैर उमड़ आई। मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पे कत्ल होगा। तू अल्लाह की जात के लिए और चाहे तो बोटी बोटी किए हुए अजा को जोड़ जोड़ कर इसमें बरकत दे दे। ये अरबी के बहुत खूबसूरत शेर कुतब में है, मैंने उनका तर्जमा और मफहूम आपको बताया है कि ये सबर उस वक्त भी हजरत खुबैर में था। इसके बाद अबू सुफियान ने हजरत खुबैर से कहा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी कि तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास होते, हम इनकी गर्दन मारते और तुम अपनी अहल वयाल में रहते? उन्होंने कहा, नहीं वल्लाह, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपनी अहल वयाल में रहूं और इसके बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां आप हैं वहीं रहते हुए कांटा भी चुभ जाए और आपको इतनी सी भी तकलीफ हो। इसके बाद मुशरकीन ने उन्हें सूली पे लटकाया, इनकी लाश की निगरानी के लिए एक आदमी को खड़ा कर दिया, लेकिन हजरत अमर बिन उमैया जमरी तशरीफ लाए और रात में उन्हें झांसा देकर, जो गार्ड था उसे झांसा देकर इनकी मैयत हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला नो की उठा कर ले गए, उसे दफन कर दिया। हजरत खुबैब को जिसने सूली चढ़ाया था ना कातिल, वो उकबा बिन हारिस था। हजरत खुबैब ने इसके बाप हारिस को जंगे बदर में कत्ल किया था। और सही बुखारी में है कि हजरत खुबैब पहले बुजुर्ग हैं जिन्होंने कत्ल के मौका पर 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका शुरू किया। उन्हें कैद में देखा गया कि जब कैदी थे ना तो देखा गया था वो अंगूर के गुच्छे खा रहे थे, हालांकि उन दिनों मक्के में खजूर भी नहीं मिलती थी, कैद पड़ा हुआ था, यानी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत के मेवों में से खिला रहे थे। दूसरे सहाबी का जो वाकया है, यानी दो वहां से बचे थे ना रजी के कचचमे पे से, तीन थे, एक को तो उन्होंने फिर जब पनाह में आए तो शहीद कर दिया। हजरत खुबैब को इस तरह सूली चढ़ाया सरेआम, और दूसरे हजरत जैद बिन दसना है, उन्हें सफवान बिन उमैया ने खरीद कर अपने बाप के बदले में कत्ल कर दिया। और कुरैश ने इस मकसद के लिए भी आदमी भेजे कि हजरत आसिम के जिस्म का कोई टुकड़ा लाएं जिससे उन्हें पहचाना जा सके। वो जो 7 रजी पे शहीद हुए थे ना, तो इन्होंने अपने बंदे भेजे थे कुरैश के सरदारों ने कि वहां से हजरत आसिम, जो हजरत उमर के नाना थे जो लीड कर रहे थे इस पूरे ग्रोह को, तो उन्होंने कहा कि उनके जिस्म का कोई टुकड़ा लाएं, क्योंकि उन्होंने जंगे बदर में क्रेश के किसी अजीम आदमी को, सरदार को मारा था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मैयतों के ऊपर भीड़ों का झुंड भेज दिया जिसने क्रेश के आदमियों को इनकी लाश की हिफाजत की और ये लोग इसका कोई हिस्सा हासिल करने पर कुदरत ना रख सके। हजरत आसम ने क्योंकि दुआ मांगी थी अपनी जिंदगी में कि उन्हें कोई मुशरिक ना छुए ना वो किसी मुशरिक को छुएंगे। बाद में जब हजरत उमर को इस वाकये की खबर हुई तो वो फरमाया करते थे कि अल्लाह मोमिन बंदे की हिफाजत उसकी वफात के बाद भी करता है जैसे उसकी जिंदगी में करता है। गोया हमें दुआएं मांगनी है, हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ हमारे अकाउंट में जमा हो रही होती हैं। हमें ये नहीं सोचना कि फिक्र करनी कि दुआ पता नहीं मंजूर क्यों नहीं हो रही, हुई कि नहीं हुई। और हजरत अली का कौल है ना कि मफहूम है कि मुझे दुआ मांगने की इतनी फिक्र नहीं होती, कबूलियत की इतनी फिक्र नहीं होती, मुझे ये होती है कि मुझे दुआ मांगनी नसीब हो जाए, मुझे तौफीक हो जाए, मैं लंबी दुआ मांग सकूं। अब देखिए उन्होंने दुआ मांगी थी हजरत जैद बिन दसना ने कि मुझे कोई काफर ना छुए, मुशरिक ना छुए, अब अल्लाह करीम ने उनकी मैयत की भी हिफाजत की कि उसके ऊपर भीड़ों का झुंड भेज दिया। और ये वाकया सीरत इब्ने हिशाम में जातुल माद में दर्ज है और मुस्तनद वाकया है, और फिर इसको अरहीकुल मख्तूम में, यानी जो दुनिया की अव्वल इनाम याफ्ता किताब है हिस्ट्री में, उसमें भी यानी इसको मेंशन किया गया है कि आप भेड़ों के झुंड से आपकी मैयत की हिफाजत की गई। दूसरा अलमनाक वाकया जो ओहद के बाद हुआ है वो बेर मौना का वाकया है, ये उसी महीने में हुआ है और एक साथ ही तकरीबन हुए हैं जिस महीने में रजी का वाकया पेश आया है, और ये उससे ज्यादा संगीन था। अबू बरा बिन आमर, जिसका यानी रोबुल असना कहा जाता था कि वो नेजों से खेलने वाला निशानेबाज, मदीना में खिदमत नबवी में हाजिर हुआ। आपने उसे इस्लाम की दावत दी, उसने इस्लाम तो नहीं कबूल किया, दूरी इख्तियार की, कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आप अपने सहाब को दावत दीन के लिए नजद वालों के पास भेजें तो मुझे उम्मीद है लोग आपकी दावत कबूल कर लेंगे। आपने फरमाया, मुझे अपने सहाब के मतलब यानी खतरा है कि अहले नजद उनको नुकसान पहुंचाएंगे। अबू बरा ने कहा, वो मेरी पनाह में होंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इब्ने इसहाक में है कि 40 बंदों को और सही बुखारी में 70 आदमियों के आपके साथ भेजा। और मंजर बिन अमर को जो बनु सादा से ताल्लुक रखते थे और यानी उनको उनका अमीर बनाया। ये लोग जो थे फुजला किरा सदार और अखिया सहाबा थे, यानी बहुत ही मोतबर ग्रुप था ये 70 लोगों का। दिन में ये लोग लकड़ियां काटते थे मक्का में, और फिर जो मजदूरी मिलती थी अहले सुफा को गल्ला खरीद कर देते थे। कुरान पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे, रात में अल्लाह के हजूर मुनाजात नमाज के लिए खड़े रहते थे। और इसी तरह यानी चलते चलाते मौना के कुएं पर ये ग्रुप पहुंचा है। ये कुआं यानी जहाँ पे इन्होंने पड़ाव डाला है ना, बेर मौना, बेर कहते हैं कुएं को और मौना उस जगह का नाम है, और उस कुएं का नाम बेर मौना है, वो यानी जो जगह थी। वहां पड़ाव डालने के बाद इन सहाबा इकराम ने उम्मे सलीम के भाई हराम बिन मिलान को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देकर, जो वहां का लीडर था दुश्मन इस्लाम आमिर बिन तुफैल के पास भेजा दावत के लिए, ठीक है। लेकिन उसने खत देखा ही नहीं, खोला ही नहीं आमिर बिन तुफैल ने, बदबख्त ने, और एक आदमी को इशारा किया तो जब हजरत हराम रजी अल्लाह ताला वापस पलटने लगे ना, तो उसने पीछे से नेजा मारा उनकी कमर पे और नेजा आर पार हो गया। खून देखकर हजरत हराम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हम मौत से डरते हैं, हम फाका मस्ती से डरते हैं, हम वबा से डरते हैं, हम बीमारियों से डरते हैं। इनको देखें, तीर पीछे से मारा गया और वो अंदर से निकल गया और पता है मैं शहीद होने लगा, और आखिरी लफ्ज क्या है, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये ईमान चाहिए, ये ईमान चाहिए। इसके बाद फौरन इस दुश्मन ने बाकी सहाबा पर अचानक हमला कर दिया और बनी आमर को आवाज दी, सारे ग्रहों को आवाज दी, उनका मुहासरा कर लिया, सब के सब शहीद हो गए, सिर्फ हजरत काब बिन जैद बचे। उन्हें शहदा के दरमियान जख्मी हालत में बाद में सहाबा इकराम उठा के लाए, वो जंगे खंदक तक फिर बाद में हयात रहे। इसके बाद इसके अलावा दो और सहाबा हजरत अमर और हजरत मंजर ऊंट चला रहे थे। उन्होंने जाए वारदात पर देखा कि चिड़ियां जो है ना वो मंडला रही हैं, तो उन्होंने कहा ये चिड़ियां, जहां परिंदे आते हैं ना सहरा में, वहां पता चलता है कि कोई मैयत या कोई जानवर या इंसान मरा हुआ है ना। तो वो सीधे दोनों सहाबी हजरत अमर बिन उमैया और हजरत मंजर वो वहां पे गए के देखे है क्या ना, ऊंट चराते चराते, और वहां देखा तो वो तो हैरान के सारे सहाबा 69 सहाबा की लाशें पड़ी हैं। तो हजरत अमर बिन उमैया को यानी ये सारी वारदात देख के अल्लाह पाक रहम करे, तो ये जो दोनों सहाबी हैं दुश्मनों ने जरा इनको भी घेर लिया जो मैयतें देखने गए थे। तो हजरत अमर को, दूसरे साहबी को हजरत मंजर को शहीद किया, हजरत अमर को उन्होंने कैद कर लिया। और जब ये बताया कि ये कबीला बनी मुजर का है, तो उनकी पेशानी के बाल कटवा कर अपनी माँ की तरफ से उसने नजर मानी हुई थी तुफैल ने, आमिर बिन तुफैल ने, तो उसने इनको आजाद कर दिया कि मैं अपनी माँ की नजर पूरी करता हूँ। अरब में ये रिवाज है कि पेशानी के बाल यानी सर मंडवाना, गधे पे बिठाना, यानी उनकी इंसल्ट की और उन्हें छोड़ा। ये वो दो सहाबी क्या मैं आपको बता रही जो वो मजलिसें देखने गए थे। हजरत अमर इस दर्दनाक वाकये की खबर, जिनका सर मंडवाया था, वापिस आए और आके उन्होंने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी। और ये ओहद से ज्यादा बड़ा चरका था, ओहद में तो आमने सामने दूब दूब जान गई थी ना, ये एक शर्मनाक हरकत थी कि सहाबा बैठे हुए और दावत के लिए उनको तबलीग के लिए लेके गए और अचानक हमला करके उनको सबके सबको खत्म कर दिया। तो हजरत अमर जब वापिस आ रहे थे ना, तो रास्ते में उन्होंने उन्हीं के कबीले बनू कलाब के दो आदमी देखे, दोनों यानी सोए हुए थे। हजरत अमर ने उन दोनों का सफाया कर दिया कि इन्होंने हमारे इतने मारे, मैं इनके दो मारता हूं। तो उनका ख्याल था कि मैं अपने साथियों का बदला ले रहा हूं। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये वाकया सुनाया, तो आपने फरमाया, तुमने ऐसे दो आदमियों को कत्ल किया है जिनकी दियत मुझ पर लाजम है। इसके बाद आप मुसलमान और उनके खुल्फा यहूद से दियत के पैसे जमा करने में मशगूल हो गए और आपने उनकी दियत दी। कि ये नहीं है कि हमारा किसी ने नुकसान किया तो उसके बदले में हमें किसी ऐसे अनजाने शख्स को मार दें कि ये उनके कबीले का है, आपने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों हादसों की, बैरे मोना और जी के हादसे की खबर एक साथ ही आगे पीछे मिली। आपको इस कदर रंज हुआ, इस कदर रंज हुआ कि हजरत अनस फरमाते हैं
कि इससे ज्यादा दुखी हमने आपको कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये एक शर्मनाक कदम था। आपने इन पर एक महीने तक बददुआ फरमाई। सही बुखारी में हजरत अनस से रवायत है कि जिन लोगों ने आपके साहबा को बेरे मोना पे शहीद किया, आपने 30 रोज तक मुसलसल उनके लिए बददुआ फरमाई। आप नमाज फजर में रहल जकवान लिहान उसिया पर बददुआ करते थे और फरमाते थे कि असिया ने अल्लाह और उसके रसूल की मसीहत की है, अल्लाह ताला ने इस बारे में अपने नबी पर फिर बाद में वही भी की जो बाद में मनसूख हो गई। वो वही ये थी कि हमारी कौम को ये बतला दो कि हम अपने रब से मिले, वो हमसे राजी, हम उससे राजी। फिर इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कनूत जो आप उन पे पढ़ते थे ना बद्दुआ, वो आपने बंद कर दी, क्योंकि अल्लाह पाक ने तसल्ली दे दी थी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया है, वो शहूदा में से हैं। तो फिर आपने वो बद्दुआ फरमानी बंद की, क्योंकि ये इतने बड़े दो हादसे हैं कि उहद में जो नुकसान हुआ है उससे बढ़कर, ठीक है ना, यानी बुजदिलाना साजिशें थी। तो इसलिए वाकया रजी और बैरे मोना के शहदा पे भी आप लोग अपनी दुआ में उनको शामिल रखा करें, और मक्का में और मदीना में यानी उनकी लाशें मैयतें दफन है, क्योंकि जो पहले दो साहब हैं हजरत जैद बिन दसना और हजरत खुबैब, वो तो मक्का में दफन है, और ये जो हैं 70 साहबा ये बैरे मोना में। तो इनके लिए आप दुआ किया करें, अल्लाह पाक इनकी शहादत में जो इन्होंने इस्तकामत दिखाई और जिस तरह ये दीन के दाई थे, अल्लाह करीम उनकी तासीर भी इंशाल्लाह हमारी नस्लों को दे, उनका अपना कुरब, उनको मजीद अपना कुरब इंशाल्लाह अता फरमाए, और उनकी नस्लें जहां जहां इस वक्त तक आबाद हैं अल्लाह करीम उनकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारा ईमान किस लेवल का हो और हमारी नस्लें कहाँ खड़ी हों। तो अब उनकी नस्लों के लिए भी दुआ मांगा करें, तो जवाब उनको दिया करें। ये जो बातें हम पढ़ते हैं इनकी तासीर, और किसी को हदिया अगर करना हो तो कलमे से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है ना। मैंने आपसे शुरू लेक्चर्स में कहा था कि कलमा शुरू करें, आप सारी फैमिली मिल के कम से कम 1 घंटा बैठा करें, रोज आधा घंटा बैठ के कलमे की कम से कम 11-11 तस्बीहात पढ़ें, अपने लिए 70,000 कलमा पढ़ के रखें, उम्मत के लिए पढ़ें, इन सहाब के लिए पढ़ें, शहदा के लिए पढ़ें जिनका हम रोज जिक्र करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आपने फरमाया तमाम अजकार में से ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल तरीन कलमा है, और दुआओं में अफजल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह की तारीफ है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्यामत की दिन आपकी शफात का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा, तो आपने फरमाया जो खलूस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा मेरी शफात से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। तो हम क्यों ना कलमा पढ़े। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। क्योंकि आपको उस हदीस का मफहूम पता है ना कि कुर्बे कियामत में सुबह में बंदा मुसलमान होगा और शाम में अपने दीन से अपने किसी अमल की वजह से फिर चुका होगा और उसे पता भी नहीं होगा, वो खुद को मोमिन समझ रहा होगा, घर वाले मुसलमान समझ के उसको दफना रहे होंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होगा, लेकिन वो ईमान से निकल चुका होगा, उसने कोई ऐसा बोल बोल दिया होगा, कोई ऐसा अमल कर दिया होगा, कोई ऐसा रिस्क खा लिया होगा, कोई ऐसा गुनाह कर दिया होगा कि वो कलमे से ही फिर गया होगा। लिहाजा चलते फिरते जब भी याद आए एक दफा कलमा पढ़ के अपनी तजदीद कर लिया करे कि अल्लाह सुने मुझे नहीं पता कि मेरे किसी अमल की वजह से मुझसे कलमा छिन गया हो और मुझे पता भी ना, अल्लाह करीम मैं अपने कलमे की तजदीद करती हूँ। और तजदीद कलमा अपने बड़ों की तरफ से भी किया करें जो कलमे जो सो चुके हैं कब्रों में, अपनी क्यामत तक की नस्लों की तरफ से तजदीद कलमा कि अल्लाह सुने इस कलमे पे उनको कायम दायम रखना। हजरत माज फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजियां हैं, जन्नत में दाखिल होंगे, ये चाबी है जन्नत की। और एक और रवायत में है कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन मेरी उम्मत में से एक शख्स को मुंतखब फरमाकर तमाम लोगों के सामने बुलाएंगे, फिर इसके 99 अमाल नामे खोले जाएंगे जो कि गुनाहों से भरे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरे पास कोई उजर है, बंदा अर्ज करेगा मौला मेरे पास कोई उजर नहीं है। अल्लाह पाक फरमाएंगे हमारे पास तेरी एक नेकी है। फिर एक कागज का पुर्जा लिया जाएगा जिस पर कलमा लिखा हुआ होगा, फिर तराजू के एक पलड़े में गुनाहों से भरे हुए 99 अमाल रख दिए जाएंगे और दूसरे पलड़े में कलमा शहादत वाला पुर्जा रख दिया जाएगा। ये पुर्जा अमाल नामों पर गुनाहों पर भारी हो जाएगा। ये तिर्मिज़ी शरीफ में रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ओहद के पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे।
साहबा ने अर्ज किया, वो कैसे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, हर शख्स कर सकता है, क्योंकि सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब ओहद से ज्यादा है और ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब ओहद से भी ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो सहाबा में से किसी ने पूछा, इखलास क्या है? आपने फरमाया, हराम कामों से रुक कर। ये नहीं कि उधर से तस्बीह फेरी, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, उधर से तस्बीह फेर रहे हैं लेकिन जो हराम काम है उनको तर्क नहीं किया। तो इखलास के साथ जो कलमा पढ़ा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कलमा अर्श तक पहुंचता है, बशर्ते कि वो कबीरा गुनाहों से बचा हो। ये भी तिर्मिजी शरीफ में रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फार कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि शैतान कहता है मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया, लोगों ने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फार से हलाक कर दिया। जब मैंने ये मामला देखा तो उन्हें ख्वाहिशात नफ्स में डाल दिया, ताकि वो गलतफहमी की वजह पर से यही समझते रहे कि हम हदायत पे हैं। ठीक है, लोगों को ये बड़ा दावा होता है कि नहीं जी नहीं, हम तो पिछली कई नस्लों से, हम हमारे तो बुजुर्ग ऐसे, हम ऐसे, बाखुदा कोई दावा नहीं है, कोई दावा ना करें, कुछ पता नहीं है, यानी हमें तो अपने कलमे का भी यकीन नहीं है कि वो कायम है कि नहीं। तजदीदे कलमा किया करें और ऐसे ला इलाहा और इस्तग़फार ने, क्योंकि शैतान को मारना है ना, तो ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम, तो ये जो है ना डबल डिप गोली शैतान को दिया करें, ताकि उसकी उसकी हलाकत हो और हमारी नस्लों का पीछा इंशाल्लाह छोड़ दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलअजीम। कल हमने नमाज बनाने की बात की थी और हमने देखा कि अहले बैत की नमाज और अशराइन बशरा की नमाज, हजरत अनस जो है रजी अल्लाह तआला अन्हु, नमाज में आपके ऊपर इस कदर महवियत, इतना डूब जाते थे कि क्याम और सजदा का वक्फा तवील से तवील तर हो जाता और लोग समझते कि वो भूल गए हैं, यानी वो सजदे में सर रखा है तो वहां ही भूल गए हैं, दरवेश टाइप थे ना, ये दरवेशियां चलेंगी, हम चालाकियों से चलते हैं, हम समझते हैं कि फलां बड़ा स्मार्ट है, बड़ा उसका IQ लेवल है, ये दरवेशियां अर्श होने को पसंद है, ये फकर पसंद है। काश 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 हमें ये बात समझ आ जाए, मेरे समेत इंशाल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज के लिए अल्लाह के साथ रब्बत कायम करते थे तो कई कई सूरतों की तलावत कर जाते थे, इस तरह क्याम करते थे लगता था कि कोई सुतून खड़ा है, कोई हिल जुल ही नहीं रहा, कोई रुकू नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं। जब सजदा में जाते तो इतनी देर सजदा में रहते कि हरम शरीफ के कबूतर उनकी पीठ पे आके बैठ जाते, उनको लगता कि कोई नॉन लिविंग, कोई यानी चीज पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो कबूतर बैठ जाते थे आके, यानी ऐसे लंबे सजदे, हमारी तरह नहीं है कि बस अल्लाह पाक रहम फरमा दे। हजरत अवैस करनी सारी रात नहीं सोते थे, फरमाया करते थे, ताज्जुब है कि फरिश्ते तो इबादत करते करते थकते नहीं, हम अशरफुल मखलूकात होकर थक जाएं और सो जाएं, हमारी नींद ही खत्म नहीं होती, यानी इफ्तारी के बाद सोना, सहरी के बाद सोना, दोपहर में कलूला करना, सुबह 11 बजे जागना, ये हमारी नींद ही खत्म नहीं हो रही। हजरत जैनुल आबिदीन एक रोज मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो मस्जिद की छप्पर में आग लग गई, आग भड़क उठी। इसमें दो रवायात हैं, एक ये कि उनके घर में मोहल्ले में, रही है कि मस्जिद के छप्पर में। आप बदस्तूर नमाज में मसरूफ रहे, ये वाकया देख कर लोग जमा हो गए, बहुत शोर मचाया, आपको पता ही नहीं चला। जब आप नमाज से फारिग हुए, बाहर तशरीफ लाए तो लोगों ने अर्ज किया, हजरत हमने इतनी जोर जोर से आवाजें दी लेकिन आपने परवाह तक नहीं की। आपने फरमाया, तुम मुझे दुनिया की आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे मगर मैं इस वक्त अल्लाह के दरबार में खड़ा था। हजरत बीबी राबिया बसरी रहमुल्ला फरमाती हैं, दिन रात अक्सर नमाज ही पढ़ती थी और फरमाया करती थी कि बाखुदा इतनी नमाज के क्याम से मेरी गरज सवाब हासिल करना नहीं है, यानी मैं कोई यहाँ बिजनेस डील नहीं कर रही कि सवाब भेजूंगी तो जन्नत खरीदूंगी, वो फरमाती थी सवाब हासिल करना मेरी गरज नहीं है, ये चंद रखते हैं तो मैं इसलिए अदा कर लेती हूँ ताकि क्यामत के दिन दूसरे अम्बिया कराम के सामने सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा कर सुरख रहूं कि ये मेरी उम्मत में से एक बंदी है की नमाज है, मैं इसलिए कि उस दिन आप सुरख रू हो जाए दूसरे अंबिया के सामने कि ये मेरी उम्मत की एक बंदी की नमाज है।
ठीक है ना, ये सिर्फ मेरी नियत है, कोई डीलिंग नहीं है, बिजनेस डील नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा तो ये पढ़ूंगी तो ये मिल जाएगा, नहीं। हजरत सुफियान सूरी बहुत अल्लाह के दोस्तों में से हैं, एक दिन खाना काबा के करीब नमाज में थे, जब आप सजदे में गए तो किसी दुश्मन ने पाँव की उंगलियां काट दी, सलाम फेरा, खून पड़ा हुआ देखा, फिर पाँव में तकलीफ यानी उस वक्त महसूस हुई जब खून देखा, आपको पता ही ना चला, और हमें मच्छर भी काट जाए तो हमारी खुरक ही खत्म नहीं होती। हजरत मुसल बिन बशार रहमुल्ला बहुत बड़े अल्लाह के वली और दरवेश गुजरे हैं, बड़ी बारूक शख्सियत थी, इनके रोब का ये आलम था कि जब घर से बाहर निकलते ही तो लोग वहशत तारी हो जाती, बड़े बारूक थे, घर वाले भी उनको देख के खामोश हो जाते, लेकिन वो नमाज में इस तरह मुस्तरक होते थे कि बच्चों के शोर का आपको इलम नहीं होता था। एक दफा अपने कमरे में नमाज की नियत बांधे हुए थे तो इस कमरे के किसी कोने में आग लग गई, नमाज में मसरूफ रहे, घर वालों ने आवाजें दी, तो बाद में उन्होंने कहा कि देखिए घर वालों ने कि अगर ऐसा हादसा हो जाए तो नमाज तोड़ने की इजाजत है, आपने फरमाया मुझे खबर होती तो मैं जरूर नियत तोड़ लेता, मुझे पता ही नहीं चला। क्या हमारी नमाज इसके कहीं आसपास दूर, मेरे ख्याल कोसों मील भी नहीं है। हमारा तो अगर जाए नमाज पे यानी उसका बल पड़ा हो तो हम नमाज के अंदर ही उसको पांव से सीधा करने की कोशिश करते हैं, हमारे तो इतनी बेध्यान नमाजें हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मुझे वो औरत खूब याद है जिसे मैंने बचपन में देखा था, बहुत इबादत गुजार थी, हालत नमाज इस औरत को 40 मरतबा बिच्छू ने डंग मारा लेकिन वो हिली भी नहीं। जब वो नमाज से फारिग हुई तो मैंने कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैंने कहा ऐ अम्मा इस बिच्छू को तुमने क्यों नहीं हटाया? उसने कहा ऐ फरजंद तू अभी बच्चा है, ये कैसे जायज है कि मैं अपने रब के काम में मशगूल थी फिर मैं अपना जाती काम करने लग जाती। ये अल्लाह पाक हमारी नमाजों को इंशाल्लाह ऐसा बना दे, और इस रमजान के सदके इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी नमाजों को खुशू खजू और कबूलियत और कबूलियत इंशाल्लाह उसकी रहमत से मिलेगी, उसका फजल जब हो जाएगा तो कबूलियत मिल जाएगी। बच्ची ने पूछा है कि गुस्ल की फराइज तो हमें पता है कि इनके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता, गुस्ल जनाबत फर्ज गुस्ल, लेकिन हमें इसकी सुन्नतें जो हैं और मुस्तहब में कोई फर्क नहीं पता, तो बेटे इसकी फर्ज तो आपको पता है, कुल्ली करना, गरारा करना, गले में पानी जाना चाहिए, गुस्ल जनाबत में गले का तार होना जरूरी है, लेकिन अगर रोजा हो तो फिर आप सिर्फ कुल्ली करेंगी, ठीक है ना, नाक में पानी डालना और वो भी अंदर तक यानी ऊपर हड्डी तक लेके जाना है, लेकिन अगर रोजा हो तो ज्यादा ऊपर ना भी हो तो आप सिर्फ नाक के अंदर पानी और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से आप अपने नाक को हनकारेंगी भी और झाड़ेंगी भी और अंदर गीला भी करेंगी, और पूरे जिस्म पर इतना पानी बहाएं कि आपकी कोई यानी जहां अगर रिंग पहनी हुई है तो रिंग के नीचे भी, कानों के पीछे रोओं में भी, कोई एक जरा भी अगर बाल का खुश्क रह गया, इसलिए तो जो बड़े अहलुल्लाह हैं वो अपना सर मंडा के रखते हैं कि उनको ये डर होता है कि कहीं कोई बाल की जड़ भी सूखी ना रह जाए तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो फिर जाहिर है नमाज नहीं होगी, कोई इबादत नहीं होगी। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहती कि गंज करा ले, लेकिन ये है कि बड़ा केयरफुल शावर लेना है, और गुस्ल की जो सुन्नतें हैं नियत आपने करनी है, दिल में ये हो कि मैं गुस्ल जनाबत करने जा रही हूँ, अब बाथरूम की दुआ पढ़ेंगी, लेफ्ट फुट बाथरूम में डालेंगी, दोनों हाथों को धोएंगी, फिर आप फर्श कमोड यूज करेंगी, अपने आप को साफ करेंगी, फिर हाथ धोएंगी, वजू करेंगी, पूरा वजू करेंगी, तमाम बदन पे 3 बार पानी बहाएंगी, ठीक है ना, और दिल ही दिल में वॉशरूम की दुआ पढ़े तो बहुत बेहतर है, इसके अलावा कोई जिक्र अस्कार बाथरूम में ना करें। और कब कब गुस्ल यानी करना पसंदीदा है, मुस्तहब कहते हैं पसंदीदा, तो भी सुनते मैं बात कर रही थी, मुख्तसरन बता रही हूँ, और मुस्तहब क्या है, जो चीजें पसंदीदा है कर लें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है, कि अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है ना, कलमा पढ़ा है, कोई कन्वर्ट हुआ है तो वो बेहतर है कि गुस्ल कर ले, ये पसंदीदा है। बलूगत पे बच्चा बाली हुआ है तो वो गुस्ल कर ले, ये भी पसंदीदा है। अगर आप खुदा न खास्ता कोई बेहोश हो गया है, जब होश आए तो गुस्ल कर ले, ये भी पसंदीदा मुस्तहब है। और अगर आपने मुर्दे को शावर दिया है उसके बाद भी अगर आप गुस्ल कर लें, शावर ले लें, तो ये भी मुस्तहब है। और 15वीं शाब, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इस्तस्का की नमाज के लिए जाना, किसी कबीरा गुनाह से तोबा करते हुए अगर आप गुस्ल कर लें पहले और फिर खड़े हों तो ये मुस्तहब है, फेवरेट है, पसंदीदा है। अगर आप ना भी करें तो गुनाह नहीं है, करें तो आपको अजर मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने डेड बॉडी को शावर दिया
तो अब क्योंकि वहां पे इस जमात मस्जिद में है, तो वहां जमात होनी है, तो अब हम गुस्ल कैसे करें? तो आप कर सकते हैं नमाज जनाजा, नमाज पढ़ सकते हैं, मुस्तहब है, अगर जब आप घर आएंगे फिर आप गुस्ल कर लें, ठीक है ना। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने के कुछ आदाब और सुन्नतें पढ़ रहे थे, तो दूध पीने के बारे में, यानी अक्सर यानी दूध पिया जाता है घरों में, तो दूध पीने के बारे में कहा गया कि आपने आबे जमजम का भी बताया तो दूध का नहीं बताया। तो जी जरूर, दूध जो है अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में खास तौर पे दूध की नेमत का जिक्र किया है, बल्कि बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि दूध शहद से भी अच्छी चीज है, क्योंकि दूध से बच्चे की परवरिश होती है और बच्चे की पहली खुराक ही दूध है, ठीक है ना, ग्रो करता है, ये मुकम्मल गजा है। और इसके बहुत से यानी फायदे हैं, हमें पता है, बेहतरीन गजाइत है, मरीजों को के लिए बेहतरीन है, यानी मेंटेनेंस बॉडी की करने के लिए। और तिर्मिजी शरीफ में यानी ये रवायत भी मौजूद है कि ये बहुत सी बीमारियों में दूध जो है फायदा मंद है। और तिर्मिजी शरीफ में और भी रवायत है कि दूध के अलावा कोई चीज खाने और पीने का बदल नहीं है, सब्स्टिट्यूट है बेस्ट, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को शौक से पीते थे, दूध को पीने के सुन्नतें क्या हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के पीनी है, जैसे कि बिस्मिल्लाबरकतिल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिस्मिल्लाह करेंगे दाएं हाथ से, आप दूध पियेंगे, जब पी लेंगे तो पीने की दुआ पढ़ेंगे, और इसके लिए दूध के लिए स्पेशल दुआ भी है। आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसकाना वाली दुआ भी। और दूध की जो खास दुआ है तिर्मिज़ी शरीफ में, वह है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु, ए अल्लाह हमारे लिए यानी इस दूध में बरकत अता फरमाइए और हमें और ज्यादा अता फरमाइए। अगर आपको दूध पीती हैं आप कसरत से, तो प्लीज इसे अपने फ्रिज वगैरह पे लिख के लगा ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह इसमें और बरकत डालें। और अगर कोई आपको दूध का गिलास पेश करे, और इसके बारे में बुजुर्ग पता है क्या करते हैं, अगर कोई उन्हें ये ऐसा ख्वाब सुनाए ना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई हो, तो वो फौरन दूध, शहद, खजूर, जन्नत की चीजें उसको पिलाते हैं। यानी ये बुजुर्गों का अमल है। और जब आप को कोई दूध पेश करे तो उसकी भी दुआ इब्ने सुन्नी में है, अल्लाहुम्मा उमत्तिहु बिशबाबिही, शबाब कहते हैं जवानी को, उमत्ता यानी मता से है फायदा उठाना, कि ए अल्लाह इसको जवानी फायदा पहुंचाए, अल्लाहुम्मा उमत्तिहु बिशबाबिही, यानी बिशबाबा बिही, यानी उसकी जवानी, उसका शबाब उसको फायदा पहुंचाए। और दूध पीने के बाद कुल्ली कर लेनी चाहिए, हदीस मुबारका में आपने दूध पिया, आपने कुल्ली फरमाई, और आपने फरमाया इसमें चखनाई होती है। और दूध जब पिए तो प्लीज रात को जैसे पिए तो बर्तन ढांक के रखें, उसके ऊपर कोई चीज जरूर दे दें, नंगा बर्तन कभी भी नहीं रखना। अल्लाह करीम आप सबके रिस्क में बरकत डाले, और जन्नत का ये मेवा दूध जो है वो इंशाल्लाह आपको, आपकी नस्लों को इंशाल्लाह पलाता रहे, उसकी तासीर जो जो हदीस में है वो आपको मिले। और जब भी दूध का गिलास देखें तो आप ये शौक से पिया करें कि अल्लाह करीम ये तेरे हबीब की सुन्नत समझ के पी रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं पीती, लेकिन पास का तो होता है ना कि नहीं मूड होता, लेकिन मैं सुन्नत समझ के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है, पसंद फरमाया है इंशाल्लाह, और इसमें जितने फवायद हैं आप मुझे मेरी नस्लों को अता फरमाएं, और ये नेमत देख के छीनिएगा नहीं, कि जन्नत की नेमतों में से अल्लाह सोने यहाँ दूध पिला रहे हैं, भैंसों, गायों, बकरियों, ऊँटों, जिसका भी, अल्लाह सोने हमें जन्नत में, जन्नत की नहरों से दूध और शहद जरूर पिलाना, और साकिये को सर के हाथ से पिलाना इंशाल्लाह लजीज। और जन्नत में जब हम दूध पी रहे हो दूध की नहरों पे, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी कराना, और हमारी इस ख्वाब, इस ख्वाहिश को आफियत के साथ जरूर पूरा फरमाना इंशाल्लाह लजीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराकों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आपने जिंदगी में कौन कौन सी चीजें खाई हैं। तो चकंदर भी आपने खाया, बीट से सुरख रंग का, नहीं होता, सलाद में डालते हैं और बड़ी आसानी से ये उग जाता है। यानी इसका अगर $1 का आप छोटा सा साशे लेंगे ना सीड का, और इसको अपने बैकयार्ड में डालें, तो ये पूरा साल चलेगा, बल्कि वो खत्म ही नहीं होगा, उगता जाएगा सनों तक। तो लिहाजा इसको घर में भी आप बड़ी आसानी से उगा लेती हैं, उगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बीज जो है वो दूर दूर फेंके, ये बड़ा क्लोज क्लोज अगर होगा तो वो फिर मोटे चकंदर नहीं उगेंगे, वो ज़रा साथ साथ है ना, तो उनकी ग्रोइंग की स्पेस नहीं होगी, तो इसके दूर ऐसे छिड़क दें, लेकिन दूर दूर थोड़ा ना।
और हज़रत तुम्हें मंजर फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, हमारे यहाँ खजूर के कुछ खोशे लटके हुए थे, आपने उनमें से खाने लगे, हजरत अली भी साथ थे। आपने हजरत अली को रोक दिया क्योंकि उनकी आंखें दुखने आई थी, हजरत अली करम अल्लाह वजह की। तो आपने फरमाया कि अभी आप बीमार हो, अभी नहीं खाओ। तो हजरत अली बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे। हजरत उम्मे मरजर कहती हैं, मैंने चकंदर लिया यानी बीट और उसे जौ के साथ पकाया, उसको काटा और जौ डाला, पानी डाला, उसको पकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली तुम्हारे लिए ये मुनासिब है, इसे खाओ। इससे पता चलता है कि परहेज तो अक्ल के मुनाफी नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह की तरफ से जो लिखा हुआ होगा, वायरस फैला है तो क्या है, हम नहीं मास्क पहन रहे, हम बाहर निकलेंगे। नहीं, देखें यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को परहेज करने को फरमाया है, तो परहेज सुन्नत है, परहेज करना है। हजरत सहर बिन साद फरमाते हैं कि हम लोग जुमा के दिन बड़े खुश होते थे, जब हम नमाज जुमा से फारिग होते तो एक ज़ईफ़ा खातून थी, उनकी मुलाकात को हमारा ग्रुप जाता, वो चुकंदर लेती, उसे हांडी में डालती, कुछ जो डालती और उसे पकाती, और नमाज़े जुमा के बाद हम लोग को पेश करती। और हम लोग इसी वजह से जुमा के दिन खुश होते थे कि जुमा के दिन जुमा के बाद खाते और फिर कैलूला करते। ये बुखारी शरीफ में रवायत है। ये जो चुकंदर है ना, ये जो खवातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, डॉक्टर उनसे कहते हैं चाहे एक स्लाइस इसका खा लें, ये आपकी आयरन की डेफिशिएंसी फुल कर देता है, और अगर आप वैसे ना खाएं तो थोड़ी स्टीम कर लें, ये नरम हो जाता है, और ये बहुत बहुत सेहत के लिए अच्छा है। वही जिसको हाथ में लगाते हैं तो हाथ सारा जो है वो गुलाबी गुलाबी शलाबी हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि जिन लोगों से बेतकल्फी, उनके जाकर खाना खाने में कोई कबात नहीं है, जैसे सहाबा उन ज़ईफ़ा के पास जाते थे। और ये भी पता चला कि जुम्मा के दिन खाना खाना और कैलूला करना सुन्नत है जुम्मा नमाज के बाद। अरवी, ये जो एक सब्जी है ना अरवी, जो कैसी होती है जैसे जिंजर अदरक की तरह, तो एलिया के बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरवी का हदिया पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया, पसंद फरमाया और पूछा ये क्या है। लोगों ने कहा तहमतुल अर्ज, जमीन की चर्बी, सॉरी लहमतुल अर्ज, लहमतुल अर्ज जमीन की चर्बी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जमीन की चर्बी अरवी तो बहुत खूब है। और इससे क्या हमें पता चलता कि अरबी खानी चाहिए। ये लजीज गोश्त के साथ इस डिश को पकाया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई हुई है। बाज़ लोग जी कहते हैं कि प्याज नहीं खाना चाहिए, हम अपने सालन में नहीं डालते क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। तो मैं ये बात की करेक्शन कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आने से मना फरमाया है, वैसे ममानियत नहीं है। हजरत बीबी आयशा सदीका फरमाती है, मिश्कात शरीफ में ये रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खाना वो था जिसमें प्याज पका हुआ पड़ा हुआ था, भुने हुए प्याज में, जैसे हम प्याज पहले भूनते हैं फिर सालन बनाते हैं, तो आखिरी जो जिंदगी का आपने खाना नोश फरमाया है वो जो है उसमें प्याज भुना हुआ था। और हजरत बीबी आयशा से ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खाना जुमे के दिन खाया था और इसमें भुना हुआ प्याज था, यानी कच्चा लहसुन और प्याज नहीं इस्तेमाल करना, उसको पका के सालन वगैरह तल के पकाया जा सकता है ताकि उसकी बदबू खत्म हो जाए। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि आजकल तो खैर मस्जिदें नहीं हैं, बंद हैं, अल्लाह पाक आफियत से खोले, कि वो इफ्तारी में उन्होंने खूब दही बड़े प्याज सारा कुछ खाया और फिर कुल्ली करके बगैर ब्रश किए मस्जिद चले गए, और जाके मगरिब या तरावी पड़ी, तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा ना ग्राह गुजरता है। तो इसलिए केयरफुल होना चाहिए कि हमें कच्चा प्याज इस्तेमाल करके, अगर हम सैलेड में किस तरह खाते हैं ज़ाहिर है दही बड़ों के ऊपर इस तरह चाट में, तो आप उसके बाद ब्रश जरूर करें। जी, आज का दिन एक क्वेश्चन मैं आपसे वो शेयर करना चाह रही हूँ, बच्ची ने भेजा सस्कैचवा से। क्वेश्चन ये था कि ऊंट का गोश्त किसी ने खाया, उस कैसे खाया, किस मोसे के अंदर ऊंट का गोश्त है, कीमा वो खाया और उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ ली, तो क्या उसके से नमाज हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी, इसमें तो किसी किस्म का शक इसलिए नहीं होना चाहिए कि ऊंट की कुर्बानी जायज़ है, और जिस जानवर की कुर्बानी जायज है उसके गोश्त से यानी कैसे मुमकिन है कि वो खा के वजू टूट जाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप खा के वजू ना करें,
और आप नमाज पढ़ सकते हैं। और वैसे भी ये हलाल जानवरों में से है, अल्लाह करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया, खाया है अपनी जिंदगी में एज अ तोआम, तो लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक और बच्ची का फीलिंग्स या घर का वो जो आजकल हम रमजान सेलिब्रेशंस कर रहे हैं वो शेयर की गई कि हम लोग जो हैं कुरान के सारे सपारे, जैसे अल्लाह ताला सपारे हैं ना 30 पारे, वो हम रख देते हैं और फैमिली दिन में बारी बारी जिसके हाथ जो भी पारा आता है वो उसको पढ़ देता है। तो इस तरह हमारा 2-4 दिन में जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो कुरान खत्म हो जाता है, फिर दोबारा हम वही पारे रख देते हैं, फिर हर कोई आते जाते वो पारा उठा लेता है। तो क्या ये ऐसा करना ठीक है? देखिए, इसको मैं गुनाह नहीं कह रही, लेकिन बेहतर ये है कि हर बंदा अलहदा अलहदा अपना कुरान पढ़े, क्योंकि आप देखिए पारे पढ़े हुए, मेरे पास एक दिन भी दूसरा ही पारा आया, दूसरे दिन भी दूसरा ही पारा आया, तीसरे दिन भी। तो रमजान में जो पूरा कुरान हमने सीक्वेंस से खत्म करना है कम से कम एक दफा, हम उस आदत से महरूम रह जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर हम एक एक अलहदा अलहदा अपना पारा पढ़ेंगे ना, तो उससे हमें ये तसल्ली और जो खुशी होती है, आई डिड फुल कुरान, बच्चों को ये बड़ा होता है ना, हमने पूरा कुरान पढ़ा है, तो वो एक एहसास भी अंदर आएगा और 70 गुना उसका अजर जो हर लफ्ज पे मिल रहा है वो मिलेगा। तो इस तरह भी, लेकिन उस तरह एक बंदे को होगा कि मुझे आज पारा खत्म करना है, एक टारगेट होता है ना, और फिर तरतीब से आप एक कम से कम साल में एक दफा तो हम साहिब तरतीब बन जाए। आम हालात में साल में आप ऐसे कुरान रखें और जिसको जब टाइम मिले वो उसमें से ले और पढ़े, और अगर बच जाए पारा तो अपना निशान लगा के अपने कमरे में रख ले, फिर उसको कंप्लीट करके फिर उस पाइल में रख दे जिस पे पड़े हुए होते हैं अनपढ़ अलहदा हों। लेकिन लेकिन अगर साल में इस तरह कुरान रमजान में जो है बेहतर है कि अपना अपना अलहदा अलहदा करें। मेरी बात आप, मेरा ख्याल है आप क्लियर हो गई है ना कि एक ही बंदा जो है वो हर सपारा कम से कम 30 के 30 पारे वो पढ़े, ठीक है ना? अगर ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो बाजकार आपने वो रखा है दूसरे तीसरे दिन, अगली दफा जब दोबारा कुरान शुरू होगा तो फिर उसके पास वही पारा आ जाएगा ना। यानी एक कुरान खत्म हुआ, मैंने दूसरा पढ़ा 7वां 27वां 26वां, जब अगली दफा कुरान शुरू हुआ तो फिर इत्तेफाक से मेरे पास वही आ गए, तो जो मैंने नहीं पढ़े, ठीक है ना? यानी एक पाइल अगर आपकी 5 दिन में खत्म होती है, आप दोबारा उसे पढ़ने के लिए रखती हैं, इत्तेफाक से वही पारे मेरे पास दोबारा आ जाते हैं या थोड़े बहुत आगे पीछे हैं। तो वो जो एक सीक्वेंस से कुरान रमजान में खत्म करना था उसकी सआदत से महरूम रह जाएंगे। गुनाह मैं फिर भी कह रही हूँ नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि रमजान में आप पूरा पूरा कुरान इंशाल्लाह पढ़े। आज आपने नहीं भूलना सूरत कौसर का हमने इंशाल्लाह अमल करना है, सॉरी 12 नफल का अमल है आज। सूरत कौसर तो हमने पिछली रात पढ़ी माल औलाद की बरकत के लिए, ये साल में एक बार ही ये अमल बुजुर्ग बताते हैं और बहुत मुजरब है, बहुत इसको यानी लोगों ने इसे पाया है। और वो क्या है, सादा से है, आज मगरिब से लेकर सुबह फजर तक दो दो करके आपने 6 दफा नियत करनी है 12 नफल सूरत फातिहा और एक दफा कुल हुवल अहद, दैट्स इट, सिंपल। तसल्ली और खुशू वाले पढ़ें, उसके बाद बैठ के एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट हों, उन्हें हदिया करें, दुआ मांगे अल्लाह करीम मेरे बच्चों के लिए खैर के जोज बना, जन्नत के अफियत के साथ ही जो इनके ईमान का लेवल बढ़ाने वाले हों, नेक सवाले खानदानों से मिला, और क्यामत तक की मेरी नस्ल को कलमा गो अल्लाह करीम, कलमा गो जो जैन देना, इन्हें तलाकों से बचाना, डिप्रेशन से बचाना, और अल्लाह करीम गैर कलमा गो जोड़ों से बचाना, और अल्लाह करीम पूरी उम्मत के जिन्नों इनस में भी बेहतरीन सोच दे दे। फिर जिस चीज़ के बच्चों का आपके जहन में है उनके सब का तसव्वुर करके दुआ अच्छी सी मांगें, और बच्चों की शादियों के लिए या वाहिद बड़ा अच्छा अमल है, आप साल में इसको रोज एक तस्बीह हर नमाज के बाद, क्योंकि वाहिद है ना अल्लाह सोना, तो आपके बच्चों के साथ उनका जोज इंशाल्लाह पैदा करेगा। और सूरत फुरकान की आयत कसरत से पढ़ा करें 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, इंशाल्लाह बेहतरीन जोड़े मिलेंगे। अल्लाहुम्मा ला खिलाबा पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा ला खिलाबा, अल्लाह कोई हमें डंग ना मारे, कोई पंजा ना मारे, कोई बुरा रिश्ता ना हो जाए, तो ये अमल है। तो आज की रात हमने क्या करना है, 12 रकत नफल जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं वो अपनी क्यामत तक की नस्ल के लिए, उम्मत के जिनों इनस के लिए इंशाल्लाह पढ़े, ठीक है ना? मनवा के जाना है अल्लाह करीम से। बच्चे ने पूछा कि नवाफल नमाजें आप कह रही हैं कि कसरत करें इन दिनों कम से कम रमजान में, तो नफली नमाजें हैं कितनी? बेटा जी, नफली नमाजें एक तो तहज्जुद है जो सबसे अफजल है, रात की पिछली पैर। आजकल जैसे आपने तरावी पढ़ी, आप लेट सोए,
तो कोई बात नहीं, जब आप फजर के लिए तहजद सहरी के लिए जागते हैं ना, अब वॉशरूम तो जाते हैं, फटाफट से वजू करें, कम से कम 2 नफल ही पढ़ ले तोबा के, तहियतुल वजू, तोबा, कबूलियत पढ़ के फिर आप किचन में जाए। इस तरह कम से कम रमजान में तो आपकी तहज्जुद हो ना, ठीक है ना? तो इसको आप प्रैक्टिस करें। ये क्या कि उठे और मुंह फाड़ सर नहार आप किचन चले गए, नहीं, फटाफट से वजू करें, ठीक है, 2 नफल पढ़ें और फिर जाके खाना खाएं इंशाल्लाह। तो फिर उस सहरी का क्या ही मजा होगा जो तहज्जुद वाली होगी। दूसरे जो नफल हैं वो जब सूरज निकलता है ना, तो उस सूरज निकलने के बाद पढ़े जाते हैं, यानी फजर पढ़ के आप बैठे रहे, जिक्र इबादत करते रहे, और फिर जब सूरज निकले तो बच्चों ने पूछा है कि आप कहती हैं कैलेंडर पे जो टाइम है उससे 15 मिनट बाद पढ़ें, अशराक का जो टाइम है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताएं कि अजान के कितनी देर के बाद पढ़ें, यानी फजर की अजान होने के 2.25 घंटे बाद, 2 आवर्स एंड एटलीस्ट 15-20 मिनट्स हों, जब फजर की अजान होती है उससे 2.25 घंटे, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपने एटलीस्ट गुजर जाए फजर की अजान को, तो उस वक्त सूरज तलू हो जाता है पूरा, आपने उसमें 2 नफल पढ़ने हैं, कम से कम 12 तक भी पढ़ सकते हैं। वो 2 नफल जो है ना उनका अजर इतना है, ये जो अशराक के नफल है ना सूरज निकलने पे। आजकल बेटे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आप लोग घर पे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि इसमें अजर बहुत ज्यादा है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि उस जिस्म को दोजख की आग नहीं छुएगी, उस खाल को दोजख की आग नहीं छुएगी जो ये अशराक के नफल पड़ेगा। और एक हदीस मुबारका में कि ये मकबूल हज और उमरे का अजर है। हर रोज हम कह रहे हैं मस्जिद हरम बंद हो गई, हम हज कैसे करें, हज नहीं होगा इस साल, अल्लाह करे इंशाल्लाह हो, तो आपको क्या फिक्रें लगी हुई हैं? आप पहले ये हज तो पकड़े ना जो आपके दरवाजे पे रोज बैल बजाता है सूरज निकलने पे, क्या वो मुझे लो तो आप सोए रहते हैं, इस हज को तो आप करें, इस उम्रे को तो आप लें रोज 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 इंशाल्लाह, ठीक है ना? और फिर ये है कि चाश्त की नमाज 9 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और जोर का जो टाइम है ना जब अजान होती है उस टाइम से 15 मिनट पहले नहीं पढ़नी, 15 मिनट पहले तक आप पढ़ सकती हैं। अक्सर लोग 12 बजे मैसेज करते हैं हम चाश्त पढ़ लें, हम इशराक पढ़ लें, तो जी जोर की अजान से पहले तक आपके पास टाइम है, 15 मिनट पहले तक, उस वक्त 15 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले जवाल होता है ना, तो सेफ साइड यही है कि 15 मिनट पहले आप रोक दें, उससे पहले आप चाश्त पढ़ लें। जैसे आप पूरी रात जागती रहती हैं, हमारी शहजादियां इबादत करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके जिक्र फिक्र इबादत में बरकत डाले और उनकी नस्लों में भी इबादत मुंतकिल फरमाए इंशाल्लाह अज़ीज़, और आफियत के साथ उनकी दुआएं कबूल फरमाए, तो वो पूरी रात जागती हैं, तो अब ज़ाहिर इशराक तक जागना मुश्किल हो जाता है ना, तो वो फिर अगर वो सो जाए तो जब जागें 10, 11, 12, तो उठ के जब आपने वजू किया तो 2 रकत नमाज नफल, तहियतुल वजू, अशराक, ठीक है, ताकि आप साहिबे तरतीब रहे ना, कि नफल है ना अगर आपके मिस भी हो गए तो कोई बात नहीं, मेरा रब उसकी रहमत तो जोश पे होती है हर वक्त, बस कोई लेने वाला हो, हम तो माइल बेकरम है, कोई मांगता ही नहीं, तो आप मांगे तो सही ना। तो जब भी जागें आप 2 नफल अशराक के पढ़ें, फिर 2 चाश्त के पढ़ लें। यूजली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 रकत पढ़े हैं चाश्त के ना, और हदीस मुबारका में है कि जिसने दिन के शुरू में ये 4 रकत पढ़ ली अल्लाह उसके सारे कामों के लिए काफी हो जाएगा। और एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि ये जिस्म के 360 जोड़ों का सदका है ये नमाज चाश्त की जो है, तो आप देखें ना कि हम कहते हैं गोडे गिट्टे जाते रहे हैं, तो आप जोड़ों का सदका दे लिया करें ना, 4 नफल पढ़ लिया करें सूर्य जब थोड़ा ऊंचा हो जाए 9-10 बजे, और आपके पास जोर से पहले तक का टाइम है। अगर आपने जोर की नमाज का अजान से 15-20 मिनट पहले आप वजू कर लें, चाश्त पढ़ के जाए नमाज पे 15 मिनट आप जिक्र करें और फिर जोर पढ़ लें, कोई अपना स्केड्यूल करें ना, दुनिया के तो हम स्केड्यूल करते हैं चावल इतने बजे पकाने हैं तो इतने बजे भगोने हैं, तो अगर मैं पराठे पहले बना के रख जाऊंगी तो सहरी पे इजी हो जाऊंगी, मुझे दही पहले जमा लेना है, ठीक है, अगर मैं बिरयानी का मसाला दिन में बना लूंगी तो शाम में इजी रहूंगी, तो दिन के हम अपने दुनिया की प्लानिंग करने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये प्लान करें ना कि अपनों को स्केड्यूल करें इबादतों के लिए। और अवाबीन के जो नवाफिल हैं ये मगरिब के बाद 6 रकत हैं, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि अगर बंदा मगरिब पढ़े और उसके बाद कोई बुरी बात मुंह से ना निकाले और फिर 6 नफल पढ़े तो 12 साल की इबादत का उसको अजर मिलता है। और हजरत अमार बिन यासर
वो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत यासर को ये 6 नफल पढ़ते देखे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अब्बा जान कि आप कौन से नफल पढ़ रहे हैं, तो मफहूम है उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो मगरिब और इशा के दरमियान ये नफल पढ़ लेगा उसके गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हों अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। तो ऐसी ज़बरदस्त डील से हम फायदा क्यों ना उठाएं। और एक हज़रत बीबी आयशा सदीका से भी रवायत है कि जन्नत में उसके लिए महल तामीर कर दिया जाएगा। हमें दुनिया के प्लाट लेने और घर बुक कराने और उसकी बड़ी फिक्रें लगी हैं, जन्नत में बुक कराएं ना, मगरिब के बाद थोड़ी देर बैठ जाया करें, 2-4 6 नफल पढ़ लिया करें इंशाल्लाह। तो ये बेटे नफल हैं, तहज्जुद, अशराक, चाश्त, अवाबीन और 5 आपकी नमाजें हैं। इसके बाद आपकी तोबा की नमाजें हैं, आपकी हाजत की नमाजें हैं, जो बख्शिश की सब पढ़ें। अल्लाह पाक की इस वक्त मौज पे है, मेरा मेरा रब मौज पे है, देने पे तुला है, बस लेने वाला कोई हो। जितना बड़ा बर्तन लेके बैठेंगे उतना ही भरेंगी, टब लेके बैठे तो टब भर के उठेंगी इंशाल्लाह। एक सुबह फजर के बाद मैसेज आया कि हमने सुना था पाकिस्तान में कि वो एक ऐड आता था, रूह अफ़ज़ा ताजगी लाए प्यास बुझाए, तो आपका जब हम लेक्चर सुनते हैं तो हमारे ईमान ताज़ा हो जाता है, ठंडक पड़ जाती है। तो अल्लाह करीम आपके गुमान के मुताबिक मुझे कर दें, आपको आपकी खुशगुमानियों के अजर अजीम अता फरमाएं, तासीर और इखलास और इखलाक को कामल बनाएं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे वो गुनाह बख्शें जो अब आम लोगों को नहीं पता, और उनके गुमान के मुताबिक मुझे मेरी नस्लों को इंशाल्लाह बना दे। अल्लाह पाक आप लोगों की दुआओं पे आप लोगों को करोड़ों गुना अजरे अजीम अता फरमाए। और नया अशरा शुरू हो गया है, आज पहला दिन है। पिछले 10 दिनों में हम उस तरह इबादत ना कर सके जिस तरह के करने का हक था, अल्लाह करीम उस पर हमें माफ़ फरमाए और इस नए अशरे में पूरे जोर और शोर के साथ इबादत करने की तौफीक दे। हमारी एक रेगुलर साथी हैं जो अक्सर क्वेश्चन करती हैं, अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक वो इतना यानी ध्यान से लेक्चर सुन रही हैं, तो उनने फरमाया कि खुला घर के लिए आपने एक लेक्चर में दुआ बताई है, तो वो क्या है? वजू के दरमियान की दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी वस्सिअ ली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्की, कि अल्लाह करीम मेरे गुनाह बख्श दें, मेरे घर को वुस्सत दे दें और मेरे रिस्क में बरकत डाल दें। आप यकीन करें ये दुआ कोई मैं कोई मुद्दतों से पढ़ रही हूँ, जिंदगी भर कभी अल्लाह पाक ने इतनी रहमतें की कि कभी बेसमेंट में नहीं रही, कभी कांडो में, कभी हॉस्टल में, कभी नहीं, छोटी जगह पे अल्लाह पाक ने रखा। आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ें, इस दुआ को आप यकीन करें, खुले से खुले घर में रहेंगे और इंशाल्लाह कब्र के तसव्वुर से भी पढ़ें, कब्र भी कुशादा होगी। ये वजू की जो दुआएं हम ग्रुप पे पोस्ट करते हैं उसमें ये है, ये दुआ पढ़ें इंशाल्लाह, इसकी तासीर में यहाँ वहाँ नस्लों को खुले बड़े घर मिलेंगे उसकी रहमत से। और आमीन का विर्द करें जी, हमेशा मैं कहती हूँ मेरे शेख का ये अमल है कि आप बैठ जाया करें थोड़ी देर और कहा करें कि अल्लाह करीम मैंने नबियों के दौर तो नहीं पाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अपने प्यारे हबीब तक कोई दौर नहीं देखा, अल्लाह करीम अल्लाह करीम, मैं उनकी दुआएं तो अभी भी फजाओं में मौजूद है ना, कुरान में मौजूद है, अल्लाह करीम मैं उनकी दुआओं पे आमीन 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 कहती हूँ। अल्लाह सोने मुझे उनकी दुआओं में से हिस्सा और तासीर अता फरमाए। ये आमीन इसमें आजम है, इफ्तारी के वक्त थोड़ी देर बैठ जाया करें अपनी दुआ मांग के, अल्लाह सोने इस वक्त तेरे मुस्तजाबुल दवा, तेरे वली, तेरे दरवेश, तेरे कुतुब, तेरे गौस, तेरे अब्दाल, तेरे मुस्तजाबुल दवा जो तुझसे मदरसों में हरम में अल्लाह सोने मांग रहे हैं, अल्लाह करीम है उनकी दुआओं पे आमीन 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 कहती हूँ। कितने अस्पतालों में दुखी बीमार इस वक्त मांग रहे हैं, मैं उनकी दुआओं पे आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन कहती हूँ। अल्लाह करीम मुझे उनकी दुआओं में से हिस्सा तासीर अता फरमाए, अल्लाह पाक अता फरमाते हैं अता फरमाते हैं, आमीन इसमें आजम की लिस्ट में है। और बच्ची का आया मैसेज के रमजान में भी लोग जादू टोने से बाज नहीं आए, मैं क्या करूं कि मेरी इबादत रियाजत उस तरह नहीं हो पाती। तो बेटा जी बहुत ही जबरदस्त हिफाजत का अमल है, अल्लाह पाक के 4 नाम है, कोई जादू आपके करीब नहीं आएगा। या हाफिजो या हफीजो या वकीलो या रकीबो या सलाम, या हाफिजो या हफीजो या वकीलो या रकीबो या सलाम, हिफाजत ही हिफाजत है। देखिए हाफिज भी, हफीज, वकील, रकीब, सलाम, 5 नाम है, आप इनको पढ़ें, ये डायनामाइट है, बम है,
किसी की जरूरत है, ये टाइम बम है कि कोई आपके करीब भी आ जाए इंशाल्लाह उसकी रहमत हो जाएगी। अल्लाह करीम आप सब लोगों की हाजिरी को लगाएं, नए अशरे को आपके लिए मुबारक साबित करें और आपके जज्बों को कायम दायम रखें। आज रात आपको नफल पढ़ने की तौफीक दें। मंडे का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और फिर ये एक नामाए महल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर जिंदगी में रोजा रखा है मंडे को, तो अल्लाह करीम आज हमारे फर्ज रोजे को कबूल फरमाए, हमारी इस बैठने को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह अपनी रहमत की बारिश कर दें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नाका अंतत तवाबुर रहीम। اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم نبي رحمتي يا محمد اني اتوجه بك الى ربك ان تقصى حاجاتي اللهم لك الحمد كما انت له وصلي على سيدنا محمد كما انت له وفل بنا كما انت له فانك انت اهل التقوى واهل المغفره يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذي القوه المتين। अल्लाह करीम तेरे बंदे यहाँ तेरे सामने बैठी हैं, हाथ उठाए। अल्लाह सुने इस बोलने कहने सुनने में कोई हद अदब गलती दानिस्ता ना दानिस्ता हो गई हो तो अल्लाह करीम आखरत में जवाब तलबी ना फरमाइएगा। हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह करीम माफ़ फरमा दें, करम कर दें, अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएं, अपने हिल में से हिल्म अता फरमाएं, खात्मा बिल खैर अता फरमाएं, अपनी मार्फत अता फरमाएं। अल्लाह करीम अल्लाह करीम, एक अशरा गुजर गया अल्लाह करीम, वो काम किए जो नहीं करने चाहिए थे अल्लाह करीम, अपना वक्त ज़ाया किया अल्लाह सुने माफ़ कर दें उस अशरे पे ना जो गुनाह किए उनसे माफ़ कर दें, जो लग्जशें हुई हैं अल्लाह करीम उन पर माफ़ फरमा दें। अल्लाह करीम नया अशरा है मेरे सोने मालिक, इसमें हमें ज़्यादा खुशू अता फरमा। अल्लाह करीम जो गलतियाँ पिछले अशरे में हो चुकी हैं अल्लाह करीम उसका कंपनसेट करने की तौफीक अता फरमाएं। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, हमारी इबादतों में खुशू आए और हमारी नमाज बन जाए। अल्लाह सुने रमज़ान में हमारी नमाज बन जाए और आउट ऑफ रमज़ान भी फिर ये नमाज बनी रहे। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, बहुत से मरीज वबा से भी और अल्लाह करीम आम बीमारियों से भी अल्लाह करीम बड़े मजबूर हैं। ऐ मेरे सोने मालिक, उन पे अपनी शिफाए नाजिल फरमा, अपना करम और फजल उन पे भेज, उन्हें माफ़ फरमा, उनसे दरगुजर कर, उनसे राजी हो जा, उनकी दुआएं कबूल फरमा ले और अल्लाह करीम उन्हें कामिल आफियत बरकत की आजला दायमा शिफा अता फरमा। अल्लाह करीम लाइलाज बीमारियों से बचाएं, अल्लाह करीम अनजाने जिस्मानी रूहानी रोगों से बचाएं, अल्लाह करीम अपने नफ्स के घुमंड से बचाएं, अल्लाह करीम नफ्स की शरारतों से बचाएं, अल्लाह करीम आजिज़ रखें, अल्लाह करीम आजिज़ों के साथ मारना और आजिज़ों के साथ उठाना, अल्लाह करीम हमारे वक्त और ईमान में बरकत डालें, माल और औलाद में बरकत डालें, अल्लाह करीम आफियतों में बरकत डालें, अल्लाह करीम हमें ज़िंदगी में अच्छे उस्ताद अता फरमाएं और हमारे उस्तादों के दुख दूर करें, उनकी परेशानियां दूर करें, उन्हें शिफाएं अता फरमाएं, उनसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह करीम उनकी नस्लों की उंगली थाम लें, अल्लाह करीम उन्हें कभी भी यारो मददगार ना छोड़ना, उनके कलब की हिफाजत फरमाना, उन पर तेरा नूर उतरता रहे, अल्लाह करीम उनकी ज़बानों की हिफाजत फरमाना, उनमें तासीर बाकी रखना, अल्लाह करीम उनकी निगाहों की हिफाजत फरमाना, अल्लाह करीम उनकी नूरानियत रूहानियत को बढ़ाना, अल्लाह करीम हमारे शेख पे फजलो करम फरमाएं, अल्लाह करीम अपनी रहमत उम्मत के जिन्नो इनस पे अता फरमाएं, हमारी हर दुआ हमारे लिए हमारी क्यामत तक की नस्ल के लिए पूरी उम्मत के जिन्नो इनस के लिए सदा कबूल फरमाएं। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, तेरी बड़ी रहमत है, तूने अपने फजल किए और अपने बोल बोलने की तौफीक दी, सुनने की तौफीक दी, अल्लाह करीम हमारे अज़ा को सलामत रखना और अल्लाह करीम सदा सदा खैर के कामों के लिए बैठने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह करीम हम आपके सामने इकरार करते हैं कि हम एक दूसरे को सिर्फ आपकी वजह से चाहती हैं, आपके नाम की वजह से, हमारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए, हमारा बैठना अल्लाह जुलजलाल के लिए, मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के लिए है। अल्लाह करीम खात्मा बिल खैर देना, अल्लाह करीम कलमा अता फरमाना, अल्लाह करीम हौज़े कौसर पे ज़रूर लेके जाना और वहाँ पे साकी कौसर के हाथ से अल्लाह करीम जाम अता फरमाना। ऐ मेरे करीम मालिक, जन्नतुल फिरदौस में भी हमें ऐसे ही बचाना, अल्लाह करीम जन्नतुल फिरदौस में भी हमारा साथ जन्नतुल फिरदौस तक का रखना और अपनी रहमतों को तमाम कर देना।
ऐ मेरे सोने मालिक, ऐ मेरे करीम मालिक, जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा, लिखा, चाहा, उम्मीद रखी, सब की दुआएं कबूल फरमाएं, और अल्लाह करीम हमसे राजी हो जाएं, हमें राजी बरजा रहने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह करीम इस वबा को आफियत के साथ उठा लें, हमारे प्यारे देश की खैर, उसकी हुक्मरानों, वजीरों, मशीरों, फकीरों की खैर, गलियों, बाजारों, एटमी निज़ाम की खैर। अल्लाह करीम हम इस देश में रहते हैं, अल्लाह करीम हमारे हुक्मरानों, वजीरों, मशीरों को कलमा अता फरमा, अल्लाह करीम उनसे राजी हो जा, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, ये अजान कायम दायम रख।